इंडियन सीए एसोसिएशन ने आज दावा किया है कि बिहार सरकार की पंचायती राज विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिना चढ़ावा चढ़ाए वहाँ कोई कार्य ही नहीं होता। नियमों की धज्जियां उड़ाना उनके लिए दाएं बाएं का खेल है। सीए का चयन प्रक्रिया भी इसी का शिकार होकर रह गया। नियमों को दरकिनारे कर सीए का सिलेक्शन किया गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उप मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद भी न्याय नहीं मिला। इस वित्तीय अनियमितताओं के ऊपर अपना रिपोर्ट देने, अपने विचार रखने के लिए जो ऑडिट की प्रक्रिया है उसको भी ध्वस्त करने का काम किया गया। इस बार क्या किया गया, 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए पंचायती राज विभाग ने कॉन्ट्रैक्टर की तरह, ऑडिटर को कॉन्ट्रैक्टर की तरह ट्रीट करते हुए उनसे 90 लाख रुपये का टर्नओवर मांगा, जो कि पहले नहीं था। पहले 40 लाख रुपये का टर्नओवर मांगा जाता था। उसके बाद उनसे 25,000 रुपये का EMD मांगा, 2-4 लाख रुपये की ऑडिट फीस जो होती है जिसके ऊपर ऑडिटर काम करते हैं, जो कि एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग, ये से इनसे EMD मांगा गया चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनसे RFP कॉस्ट मांगा जा रहा है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जिला में जो डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी हैं, जिला के जिनके यहाँ हमें ऑडिट करने जाना है, वही हमारा चयन करेंगे, और जिलों को अधिकार दे दिया गया। तो अब क्या है कि कोई यहाँ पे अंकुश नहीं रहा। अब जिले में जो पंचायती राज ऑफिसर हैं, जो जिलाधिकारी हैं, जो DDC हैं, वो मिलके ऑडिटर का चयन करें, वही उनके परफॉर्मेंस को जज करें। इस बात पे हम लोगों ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा था। इसके लिए जो हमारे पटना ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बॉडी है, उन्होंने पत्र लिखा था। हमने उप मुख्यमंत्री से मिलकर सारी बात बताई थी, जो जिसका उल्लेख चिट्ठी में भी है। उप मुख्यमंत्री ने इस बात को सुधारने का भरोसा दिया था, लेकिन अब प्रशासनिक खेल देखिए और मानसिकता देखिए। इसको सुधारने के नाम पे पूरे जिलों में कहा गया कि आप टेंडर निकाल के ऑडिटर्स को सेलेक्ट करें, और ये खेल चलता रहा। जब 30 जिलों में ये हो गया तो 1.5 महीने बाद पंचायती राज विभाग ने सिर्फ दिखावे के लिए एक पत्र निकाला कि इसमें कुछ सुधार हम कर रहे हैं, जबकि वो पूरा सुधार नहीं है। और उस सुधार को का 30 जिलों में कोई फर्क नहीं पड़ा, 8 जिलों में शायद उसका फर्क पड़ेगा, अभी ये प्रक्रिया चल रही है। पटना से लाइव इंडिया के लिए कैमरामैन समर डे के साथ हीरालाल की रिपोर्ट।